तो मैं डायरेक्टरी लेके, फिल्म डायरेक्टरी जो होती थी, हाँ नीचे जाता था, सिक्के डालता था, बहुत सारे लोगों को रैंडम फोन करता था जो राइटर्स थे कि मुझे काम चाहिए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। कोई भी फिल्म हो या कोई भी टीवी सीरियल हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जो विजुअल मीडियम में आता है, वो किसी भी कैमरे से शूट हो सकता है, वो बगैर एक्टर के भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेड भी हो सकता है, लेकिन बगैर कहानी के कभी भी कोई फिल्म नहीं बन सकती। और जो कहानियां लिखते हैं वो हमारे साथ हैं योगेश, विक्रांत, सिंह। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। ये जो कहानी आप लिखते हैं जी, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे फिल्मों के लिए लिखें या सीरियल, जो पहला थॉट आता है वो कहाँ से जन्म लेता है? पहली चीज़ है कि हम समाज से कितना जुड़े हुए हैं, वहीं से हमें कहानियाँ मिलती हैं। जो हमारे आसपास घट रहा है उसको अगर हम कहानी का विषय बनाते हैं तो वो ज़्यादा रिलेटिबल होता है ऑडियंस के लिए। फिर ये देखना होता है कि टेलीविज़न में खास कर कि जो कहानी हम चुन रहे हैं वो एक्सेप्शन ना हो। ओके, एक्सेप्शन की कहानी टेलीविज़न की कहानी नहीं होती। ओके, क्योंकि वो उतने ज़्यादा लोगों को टच करनी चाहिए जितना बड़ा उसका दर्शक वर्ग है। तो आपको वो कहानियाँ उठानी होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच करें। तो मतलब ये हुआ योगेश जी कि आपको सोसाइटी से कहानी भी लेनी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसका टारगेट ऑडियंस तक भी इसकी पहुंच बने। बिल्कुल, क्योंकि मीडियम मायने रखता है, किस मीडियम के लिए आप काम कर रहे हैं। उस मीडियम के पैरामीटर के बाहर काम करेंगे तो वो उतने लोगों तक पहुँचेगा नहीं, और पहुँचेगा भी तो बाज़ार में वो टिकेगा नहीं। और ये बात बहुत हद तक सच भी साबित हुई कि जहाँ पर हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल त्योहारों का असर कम हो रहा था, बहुत हद तक जा रहा था, टेलीविज़न के आने के बाद वो एकदम से ब्रांडिंग आ गई। जैसे करवा चौथ एकदम ब्रांडेड त्यौहार हो गया, जो बिल्कुल जा रहा था कगार पे, खत्म हो रहा था। होली दिवाली के भी बहुत सारे ट्रेडिशन थे या छोटे छोटे त्यौहार के लिए, लेकिन टीवी ने उनको वापस जिंदा कर दिया, रिवाइव कर दिया। शुरुआत में जब टेलीविज़न आया तो हमें लगा कि बड़ा ख़तरनाक है, ये हमारी संस्कृति को ख़राब करने के लिए आया है। तो ये टेलीविज़न ने बदला है डायलॉग लेवल पर, कि वो रीजनल जगहों के जो पॉपुलर वर्ड्स थे उनको पकड़ के लाना शुरू किया। आपको, आपने देखा होगा, प्रतिज्ञा के पहले ललन टॉप शब्द चलन में नहीं था। प्रतिज्ञा आया, उसमें ललन टॉप यूज हुआ। हाँ। और उसके बाद लगभग सारे रस्टिक सीरियल में आ गया, और ललन टॉप कोई वेबसाइट भी हो गई। हाँ, चैनल भी, और चैनल भी हो गया। हाँ। और ललन टॉप का मतलब सब यूनिवर्सल हो गया, अब वो सिर्फ इलाहाबाद का वर्ड नहीं रह गया। तो योगी जी, इसका मतलब ये हुआ कि एक राइटर को, रचनाकार को एक साहित्यिक समझ तो होनी चाहिए, सोसाइटी की समझ, लेकिन उसको कमर्शियल समझ भी होनी चाहिए, बेचना भी आना चाहिए। वो तो आपको सीखना पड़ेगा, मीडियम है। आप ये सोचोगे कि बस आप लिख लेते हो इसलिए आप टेलीविजन में चलोगे, नहीं चल पाओगे। टेलीविजन के जो अपने लटके झटके हैं, जो ट्रेंड है, उसको भी आपको, तो नरेशन और पिचिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सीखना, समझना। एक कहानी लिख लेना बहुत ईजी है, लेकिन एक प्रोडक्ट खड़ा करना, एक कहानी का प्रोडक्ट, बेहद मुश्किल काम है। जैसे कि मैंने सुना था कि बागवान फिल्म बहुत साल पहले लिख ली गई थी और बनी अभी, मतलब बहुत बाद में, बहुत बनी। बाद में। तो वैसे ही बहुत सारे सीरियल की कहानियां लिखी रहती हैं बट बनते नहीं, क्योंकि वो इस बेंच से उस बेंच ऐसे ट्रांसफर होता रहता है, बट कोई आदमी आ गया जो उसको समझता होता है तो बना लेता है। जब आप यहाँ पर मुंबई में आए जी, इलाहाबाद से, तो क्या क्लियर था माइंड में कि मुझे राइटर ही बनना? मैं एक्चुअली सही बताऊँ तो मैं हाई स्कूल में था तो मैंने कविताएँ लिखनी शुरू कर दी। तो मैं यही कहूँगा कि मैं जन्म से, या कह सकते हैं जब से होश संभाला है तब से कवि तो हूँ ही। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि जिस दिन आप जो चीज़ शुरू करते हैं उसके पहले से आप वो नहीं होते हो। राइटर बनने का जो अंदर वो था, कहते हैं ना कि माइंडसेट थी, माइंडसेट था, वो आज भी है। और अभी भी मुझे लगता है कि टेलीविज़न लिखना, सिनेमा लिखना, बावजूद इसके मुझे बुक्स लिखनी है। तो जब मुंबई आ गए और ये भी तय था माइंड में, क्लियर था कि मुझे राइटर बनना है, तो यहाँ पर जब शुरुआत की, तो शुरुआत के वो स्टेप्स मुझे बताइए ताकि लोग समझ पाएं कि किस तरह से शुरुआत होती है। मैं पहले बताऊँ, छोटे शहर में बम्बई को लेकर बड़े मिथ हैं। राइट, तो बम्बई आने के नाम पर लोग पहले हंसते हैं कि बम्बई जाएगा। तो जब हमने इलाहाबाद से कहा कि हम बम्बई जाएंगे तो रेडियो में खूब हंसे सब कि अभी बम्बई जाएगा। तो मेरे एक गुरु थे कैलाश गौतम, बड़े ही अच्छे कवि थे, अभी वो नहीं है, तो वो एक तरह से अभिभावक भी रहे हैं मेरे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जाओ बम्बई में, कैसे जाएंगे भैया, पैसा वैसा तो है नहीं। तो बोले कि एक काम करो, जाओ और एक हफ्ते रह के चले आना, फिर दूसरी बार जाना 2 महीने रहना, फिर चले आना, और फिर तीसरी बार जाना तो आना ही मत। तो एक बंदा था रवि शर्मा करके, अभी वो शायद उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने वो डीवीडी पे फिल्में बनाते थे, डीवीडी पे, ये सूरत के पास कहीं पर भरूच में शूट करते थे, 4 दिन में एक फिल्म शूट हो जाती थी और वो डीवीडी पे रिलीज होती थी,
और लोग लोकल में देखते थे, तो उसने कहा लिखोगे? हमने कहा हाँ। तो मैं जितना सीट फील्ड को पढ़ा था सारा अप्लाई करके तीन चार दिन में, पाँच दिन में एक फिल्म लिख देता, 40-50 सीन का होता था, ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं होती थी, और एक फिल्म को 8,000 देता था, और महीने में 2-3 फिल्में मैं लिखता था उसमें। थोड़े दिनों बाद मैं कई लोगों के यहाँ हंटिंग करता रहा। मैं बताऊँ, शुरुआत में वो डब्बे वाले फ़ोन होते थे ना, लाल वाले, जिसमें सिक्का डाल के और आपको कॉल करना होता था। तो मैं NNP कॉलोनी में हम लोग रह रहे थे, तो इतना सिक्का बटोर के ले जाता था, क्योंकि सिक्के डालोगे तभी वो करेगा, और सिक्के अरेंज करने पड़ते थे। तो मैं डायरेक्टरी लेके, फिल्म डायरेक्टरी जो होती थी, नीचे जाता था, सिक्के डालता था, बहुत सारे लोगों को रैंडम फ़ोन करता था जो राइटर्स थे कि मुझे काम चाहिए। बट उसी दौरान कई सारे लोगों से मिला, उसमें हसन कमाल से उसी नंबर से जाके मिला, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई इंडस्ट्री के बारे में। धीरेन्द्र अस्थाना ने भी मुझे बताया था 2-3 बातें जो मुझे अभी भी याद है। उस समय वो सहारा के संपादक थे, सहारा समय के रिपोर्ट लेके आया, फिर एक विक्टोरिया टर्मिनस पे लिखे, फिर मुझे समझ आया कि ये काम अब मेरे लिए अब नहीं रह गया। इलाहाबाद तक ठीक था रिपोर्टिंग, अब यहाँ मुझे दूसरा काम करना है, जिसके लिए आए हैं। हाँ, जिसके लिए आए हैं। हाँ, मैं आपको बताते बताते भूल गया, राइट या रॉन्ग जब रिलीज हुई 2010 में, तो मैं गया, मुझे बुलाया उन्होंने कि आप आओ, उसमें उसका होता है ना जो प्रीमियर, तो नीरज जी की फिल्म शुरू हुई और मैं बैठा था, और बिगनिंग में ही सिंगल प्लेट पर मेरा नाम आया, एसोसिएट राइटर योगेश विक्रांत। तो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था, क्योंकि वो घोस्ट राइटिंग के ज़माने में एक एसोसिएट राइटर के रूप में नाम आना, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नीरज पाठक हो, और उसमें आपका नाम फिल्म की बिगनिंग में आया और सिंगल स्क्रीन पर आया, तो बहुत बड़ा अवार्ड है। कि जो घोस्ट राइटिंग होती है जिसमें क्रेडिट नहीं मिलता, और इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, आप लोग जरूर देखिएगा, थंबनेल में शेयर करूँ कि घोस्ट राइटिंग क्या होती है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट जानना कि घोस्ट राइटिंग भी कहीं ना कहीं आपको शार्पन करती कमर्शियल चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए, उस पर थोड़ा सा। देखिए, घोस्ट राइटिंग भी राइटिंग ही है, और घोस्ट राइटिंग एक जरिया है एक प्रोडक्ट को ले जाने का, ले जाने का। वो थोड़े दिन बाद आप खुद ही सक्षम हो जाओगे, तो आपको वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा और एक आपका नेटवर्क बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। और ऐसा नहीं है, जो प्रोड्यूसर हैं वो जानते होते हैं कि घोस्ट राइटर कौन है, जानते हैं। हमें पता है कि टीवी के टॉप मोस्ट राइटर के एसोसिएट्स इस वक्त कौन कौन से हैं, राइट। और ये भी पता है कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, वो फ्यूचर के राइटर हैं। फिल्में तो आपने बहुत सारी की, सीरियल कौन कौन से आपके आए? सीरियल में मैं भागों वाली बांटे अपनी तकदीर और अपनों के लिए गीता का धर्म युद्ध, इन दोनों से राइटिंग में एंट्री ली। उसके पहले मैं टीवी में भी घोस्ट राइटिंग किया, शांति भूषण के लिए किया, जिसमें उस वक्त प्रतिज्ञा के लिए किया, जीत जाएंगे हम के लिए किया, रहना है तेरी पलकों की छाँव में के लिए किया। तो ये 3-4 सीरियल मैंने घोस्ट राइटिंग की उनके साथ, दो सहेलियां के लिए किया। अभी जो आपका आगे की तैयारी है प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो कौन कौन सी है? देखिए, एक अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक जी के लिए चल रहा है, जो मतलब चैनल मीटिंग अच्छी हुई है, उसमें आगे क्या होगा, हो सकता है अभी IPL ख़त्म होते होते तक क्लियर हो जाए कि क्या है। तो वो एक है मेल सेंट्रिक स्टोरी जी के लिए, और एक और है शोभना देसाई के लिए कुछ कर रहा हूँ। उनके साथ दो चीज़ें हैं, एक मेरी कहानी उन्हें पसंद आई है जो पिच कर रही हैं, और दूसरी एक नॉवेल सेलेक्ट करके उस पर करना है। तो ये दो बैनर के लिए अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। फिर एक और बंधु हैं जिनके लिए अभी मैं 2-3 दिन पहले बात हुई है, तो मैं अभी उनके लिए भी एक कहानी सेलेक्ट करके देने वाला हूँ। उसमें जो भी नए राइटर इंडस्ट्री में आके काम करना चाहते हैं लेकिन गाइडेंस नहीं, तो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको मालूम नहीं कैसे पिच करना चाहिए, कैसे नरेट करना, जो नरेशन शायद जानते भी नहीं है कि नरेशन और सिनॉप्सिस का कोई वैल्यू होती है, तो उनको क्या गाइड करोगे आप? एक ऐसा राइटर बनिए जिसको सभी पढ़ना और सुनना चाहे या देखना चाहे। तो इसके लिए संघर्ष बड़ा हो गया, आपको हज़ारों में से एक यूनिक कहानी बनानी है। तो जो भी नए राइटर आ रहे हैं उनको तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो आप दिखाना चाहते हो आप देखो, आप देखोगे नहीं तो आप क्या दिखाओगे? आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना पड़ेगा, आपको समाज में हर तबके में बैठने वाले लोगों से जानना पड़ेगा कि वो क्या देखना चाहते हैं और किस चीज़ से इरिटेट होते हैं, क्या नहीं देखना चाहते। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे योगेश विक्रम जी, जिन्होंने बताया कि राइटिंग में अगर करियर बनाना है तो आपको लगातार काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जब इस शहर में आए तो सबको फ़ोन घुमाना शुरू किया, भले नहीं मालूम था लेकिन प्रयास जारी था, और उसके बाद जैसे ही मौका मिला
काम करना शुरू किया बगैर ये देखे कि वो छोटी फिल्में हैं, जैसा उन्होंने बताया कि वो भरूच के लिए बनाते थे, और उसके बाद घोस्ट राइटिंग भी की, अगर शुरुआत में करना पड़ता है लेकिन उससे कमर्शियल समझ डेवलप हो जाती है, आप जान जाते हैं कि लोग किस तरह की राइटिंग देखना चाहते हैं। एक और बात जो उन्होंने आखिरी में कंक्लूड की कि पहले जो दिखाना चाहते हो खुद भी देखना शुरू करो, और प्रोफेशन को समझना, बाजार को समझना, कमर्शियल एंगल को समझना भी उतना ही जरूरी है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join